स्वागत आपका आज एक बार फिर मेरे चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत में। आज मैं जीटी करनाल रोड सुल्तानपुरी गुरुद्वारा नानक प्याऊ आया हूं, जो कि एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो कि श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित है। यह जीटी करनाल रोड सुल्तानपुरी पर स्थित है। मैं पूरी जानकारी दूंगा इस आज गुरुद्वारे की, कैसे और कब इसकी स्थापना हुई और क्यों ये नानक प्याऊ के नाम से जाना जाता है और कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, और नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है मॉडर्न टाउन मेट्रो स्टेशन, उतर के आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं बाय वॉक या बाय रिक्शा। सो बहुत ही इंटरेस्टेड इसकी हिस्ट्री है, तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए, उत्तरी दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ, जहां 1506 से 1510 के बीच गुरु नानक देव जी रहे, और यहाँ से देख सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर एंटर हो चुके हैं। वैसे अंदर की फोटो अलाउ नहीं होती, लेकिन कुछ किसी तरह से मैंने वहाँ पे कुछ फोटो ले ली थी आपको दिखाने के लिए, जहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पे आज भी मौजूदा है। गुरु जी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड पर राहगीरों को शीतल जल पिलाना शुरू किया था, तब से आज तक यहाँ प्याऊ चालू है। अभी मैं आपको यहाँ बाहर दिखाऊंगा, दिल्ली का सबसे पुराना प्याऊ है और ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी की बादशाहत में बनी थी, इसलिए इसे शाही मार्ग कहते हैं। कुछ इतिहासकार जीटी रोड को राणा प्रताप रोड का नाम भी देते हैं। शाही सड़क होने के चलते बड़ी संख्या में मुसाफिर यहां रोज गुजरते हैं, और श्री गुरु नानक देव जी ने खुद मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कुएं की बगल में प्याऊ का इंतजाम किया था। वहां अपने हाथों से मुसाफिर को पानी पिलाते, यही गुरु नानक देव जी इलाही कीर्तन करते और धीरे धीरे गुरु साहिब के दर्शन करने के लोग उमड़ने लगे यहाँ पे। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अभी आ गए हम बाहर, अंदर की मैं ज्यादा क्लिप ले नहीं पाया और ना ज्यादा दिखा सकता हूँ। और ये है वो प्याऊ जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत ही दूर दूर से लोग इस प्याऊ को देखने आते हैं, बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े तो बाग के मालिक ने पक्का प्याऊ भी बनवा दिया, और इसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना भी होने लगी। तब से यहाँ पवित्र स्थल प्याऊ साहब कहलाने लगा। बाद में यह नानक प्याऊ के नाम से केवल दिल्ली बल्कि दूर दूर तक विख्यात हुआ। श्री गुरु नानक प्याऊ पानी पिलाने के सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ से देख सकते हैं, ये है सरोवर, बड़ा ही खूबसूरत सरोवर है। सुबह का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। अभी ये सुबह 6:30 से 7 बजे का टाइम है, यहाँ से देख सकते हैं। और लोग गुरुद्वारे के माथा टेकते हैं और प्याऊ से पानी पीते हैं। कुछ भक्त पाऊ और बोतलों में भर भर के यहाँ से लेके जाते हैं। गुरुद्वारे के बाहर का चौक बेबे नानकी के चौक कहलाता है। चौक का नामकरण 2013 में किया गया। बेबे नानकी श्री गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन थी। श्री गुरु नानक देव जी 15 साल के हुए तो पिता ने कारोबार के लिए उन्होंने बेबे नानकी के पास भेज दिया। इसी दौरान सबसे पहले बेबी नानकी का महसूस हुआ कि उनके भाई के भीतर परमात्मा की ज्योत है, जो कि दीन दुखियों के दुख दर्द को हरने के लिए है। नानक प्याऊ से जाने के कुछ साल बाद 1518 में श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दूसरी उदासी यानी धर्म प्रचार यात्रा के बाद नानकी को मिलने गए। इसी दौरान बेबे नानकी वाहेगुरु जी के चरणों में विराजी, और बेबे का अंतिम संस्कार श्री गुरु नानक देव जी के हाथों से ही हुआ था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, इस गुरुद्वारे का पूरा तो इतिहास मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा कि ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नई जर्नी के साथ, नए वीडियो के साथ। गुड बाय।